जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज खूंटी जिले में भी जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। इनके अलावा राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख व पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी शामिल हुए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, इसे देखते हुए आगामी 2024 का चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से भी लोगों को जागरूक करेंगे। सत्याग्रह की यात्रा निकली हुई है। आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जय भारत सत्याग्रह में शामिल होकर माननीय राहुल गांधी जी ने जिस संघर्ष की शुरुआत की है, जहाँ पर उन्होंने इस देश की गरीब जनता, बेरोजगार युवक और देश की बढ़ती हुई आसमान छूती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, और जिसके चलते हुए माननीय मोदी जी और भाजपा सरकार उन्हें निशाना बनाकर प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रही है, उसके प्रतिकार में और राहुल जी के समर्थन में ये सत्याग्रह कार्यक्रम है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जन जन तक जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों की घर बस्ती जो मोहल्ले हैं उन सभी जगह में लोगों के घर घर जाकर इस संदेश को पहुंचाएगा और आने वाली 2024 की जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस लोकसभा की चुनाव जो कि इस देश की जनता आने वाले 5 वर्षों का भविष्य का निर्णय लेने वाली है, उसके लिए लोगों को आगाह कर दिल्ली में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को और संविधान को कमजोर कर रहे हैं उसे उखाड़। तो अभी आपने सुना कि अविनाश पांडे ने बताया कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत किस प्रकार से आगे की तैयारी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो आज के इस कार्यक्रम में खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कालीचरण मुंडा, विल्सन तोपनो, पीटर मुंडू, नरेश तिर्की सहित अन्य कांग्रेसी नेता शामिल रहे। तो खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।